हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिनमें से एक पर बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णलाल पवार तो वहीं दूसरी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अजय माकन का खेल आंकड़ों के गणित में कुछ ऐसा खराब किया कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा कांग्रेस ने तो उनको पहले बधाई दे दी थी, लेकिन बाद में जब हार मिली तो बधाई के ट्वीट भी गायब हो गए। वही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कुलदीप ने अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट दिया है। वही कुलदीप ने पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों में आस्था जताई है। सीएम ने कहा कि यदि वे पार्टी में आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है, हम तो हुड्डा साहब का भी स्वागत करते हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने एक सप्ताह अपने विधायकों को प्रशिक्षण दिया और फिर भी जीत नहीं दे सके, हमने एक ही दिन प्रशिक्षण दिया और जीत गए। सुनिए क्या कुछ कहा है सीएम खट्टर ने। खुला वोट दिया उन्होंने और अपने अंतरात्मा की आवाज से दिया, उन्होंने कुछ छुपा के नहीं दिया और निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनकी जरूर आस्था मोदी जी के केंद्र की सरकार के जो नीतियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, जो हमारी विचारधारा है, उससे प्रभावित होकर के ही किया होगा। उन्होंने इस बात की भी चिंता नहीं की कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ क्या करेगी, लेकिन यही होता है कि राष्ट्रीय विचार के साथ जुड़ने का एक अवसर अपनी अंतरात्मा के हिसाब से उन्होंने वोट दिया, उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सैनी जुड़े हैं, वहीं साथ ही पानीपत से ब्यूरो चीफ देवेंद्र कठुरिया जुड़े हैं और हिसार से ब्यूरो चीफ डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हैं। महेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से अगर राज्यसभा चुनाव की बात करें तो नतीजे आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का गणित बिगड़ चुका है, क्या कुछ कांग्रेस के गणित बिगड़ने के पीछे का जो रीजन है वो क्या कुछ है? देखिए, कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी जाहिर थी, लेकिन वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अंतरात्मा कांग्रेस के साथ नहीं होगी। कांग्रेस के रणनीतिकार भी इसकी संभावनाओं को कम ही मान रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि कुलदीप बिश्नोई जब ये कह रहे हैं कि उनके पिता ने अपने खून से कांग्रेस पार्टी को सींचा है तो यकीनन कांग्रेस पार्टी के साथ ही कुलदीप बिश्नोई का वोट भी जाएगा, अपनी पिता की मेहनत को वो जाया नहीं करेंगे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई यहां पर क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए। कुलदीप बिश्नोई का वोट डाउटफुल था ये लगातार माना जा रहा था, लेकिन 30 की संख्या के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये मानकर चल रहे थे कि चाहे कुलदीप बिश्नोई वोट दे या ना दे, लेकिन 30 वोट सुनिश्चित रूप से वो राज्यसभा में डलवाने का काम करेंगे। पूरी बाड़ेबंदी की गई थी, पूरी ट्रेनिंग की गई थी और गीता का पाठ, रामायण का पाठ तमाम विधायकों को करवाया गया था, लेकिन गीता का सार जो है तमाम विधायक नहीं समझ पाए और एक विधायक ने अपने वोट को कैंसिल करवा दिया। 3 दिनों की ट्रेनिंग के बाद भी अगर राज्यसभा में अपना वोट कांग्रेस पार्टी का एक विधायक नहीं डाल सकता है तो यकीनन इसे एक बड़ी साजिश के रूप में देखा जा सकता है। ये बड़ा नंबर गेम है जो कांग्रेस पार्टी के साथ खेल दिया गया। सिर्फ कुलदीप बिश्नोई का जिक्र नहीं, जो वोट कैंसिल कर दिया गया दरअसल वो भी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन सरकार की एक रणनीति का बड़ा हिस्सा है। इसका खुलासा किए जाने की जरूरत है कि आखिर कांग्रेस पार्टी का वो कौन सा विधायक था जो ट्रेनिंग लेने में नाकाम रहा, 3 दिनों की ट्रेनिंग के बाद भी जो एक वोट तरीके से कास्ट नहीं कर पाए तो सातौर से। और जिस तरीके से हमने अपने शो में पहले भी तमाम दर्शकों को बताया था कि हरियाणा सरकार में कैबिनेट रैंक के एक मंत्री साफ ये बात कह रहे थे कि तमाम विधायकों को भले ही बाड़ेबंदी उनके कर ली गई हो, छत्तीसगढ़ रायपुर में उन्हें रोक लिया गया हो, लेकिन उनके परिवार के लोग यहां पर हैं, तो ऐसे में बातचीत जो है परिवार के लोगों से की जा रही है, फाइनल सेटलमेंट परिवार के लोगों से किया जा रहा है और वही आशंका यहां पर पूर्णतः सच साबित हुई है। सरकार की तरफ से जो मेहनत की गई थी, सरकार के मंत्रियों की तरफ से जो मेहनत की गई थी वो पूरी तरह कामयाब नजर आई। कुलदीप बिश्नोई का वोट नहीं मिला और जो एक वोट कैंसिल करवा दिया गया दरअसल वो भी एक सबसे बड़ी रणनीति का हिस्सा है। सरकार की तरफ से ये पूरी तैयारी करवाई गई थी कि कांग्रेस पार्टी का एक विधायक अपने वोट को खराब करेगा, जिससे सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को मिल पाएगा। इसके अलावा आशंका इस बात की जाहिर की जा रही थी कि कहीं महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीक तो नहीं पहुंच जाएंगे। उनके अपने इलाके महम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सबसे बड़ा वजूद है। जिक्र अगर करें भूपेंद्र हुड्डा का तो पुराने रोहतक जिले में, रोहतक इसके अलावा सोनीपत और झज्जर जहां से दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा की राजनीति करते हैं, इस पूरे इलाके में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सबसे बड़ा वर्चस्व है। वो किसी को भी जिता सकते हैं और किसी को भी हरवा सकते हैं, तो ऐसे में माना जा रहा था कि कहीं हुड्डा के नजदीक तो महम के विधायक बलराज कुंडू नहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन उस आशंका को भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खारिज करवा दिया और यह कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के
समर्थित उम्मीदवार को अगर वोट नहीं दे रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को भी वोट मत दीजिएगा। और इसी रणनीति में कामयाब यहां पर गठबंधन की सरकार हुई, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज इस रणनीति में भी कामयाब हुए। बलराज कुंडू किसी को भी वोट देते नजर नहीं आए और एक वोट चुकी पहले से भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन सरकार उसके लिए तैयारी करवा चुकी थी, कांग्रेस पार्टी का एक वोट कैंसिल करवा दिया गया और कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा की आवाज कार्तिकेय शर्मा के साथ निकली। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी की रणनीति अच्छी थी और जीत की वजह भी कहीं ना कहीं वही है। वीरेंद्र जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे ज्यादा राजनीति की अच्छी खासी आपकी पकड़ है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई का कल ट्वीट आया कि एक नए सफर की उन्होंने जिक्र किया अपने ट्वीट में, वहीं उसके बाद फिर वोटिंग को लेकर के उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, उम्मीदें जताई जा रही थी कि कांग्रेस को वोट देंगे लेकिन उन्होंने आखिरकार नहीं दिया, वही अब एक नया ट्वीट आता है, वही सीएम अगर बात करें सीएम खट्टर की तो उनका भी बयान सामने आता है बीजेपी, क्या लगता है कुलदीप बिश्नोई बीजेपी की ओर रुख कर सकते हैं? देखिए, कुलदीप बिश्नोई हो या भव्या बिश्नोई हो, उनके आज ट्वीट देख लीजिएगा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो टिप्पणी आई है ये साफ संकेत है। मुझे हैरानी इस बात की है, जब एक एक व्यवस्था है राज्यसभा चुनाव में कि जो भी विधायक वोट डालता है वो अपने ऑथराइज एजेंट को, जो अधिकृत एजेंट होता है उसको दिखाया जाता है। कुलदीप बिश्नोई ने वोट नहीं दिखाया तो कांग्रेस के अधिकृत एजेंट वहां विवेक बंसल थे तो उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं की? उनको ये लग रहा था शायद कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को ही वोट देंगे क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं, लेकिन ऐसे में उनको विश्वास नहीं करना चाहिए था। अगर उनको ये लग रहा था कि उन्होंने उनको दिखाकर वोट नहीं दिया है तो इसके मतलब मायने साफ हैं, तो उनको आपत्ति करनी चाहिए थे, कुलदीप बिश्नोई का वोट रद्द हो जाता तो ऐसे में तस्वीर का रुख दूसरा हो जाता। लेकिन अब ये स्पष्ट है कि कुलदीप बिश्नोई की राह कांग्रेस से जुदा है। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान आज उनके खिलाफ कार्रवाई करती है नहीं। अगर कांग्रेस हाईकमान कार्रवाई करती है तो दृढ़ता के साथ ये संदेश जाएगा कि अनुशासनहीनता और पार्टी से गद्दारी सहन नहीं की जाएगी। अगर कांग्रेस इसमें कोताही बरतती है तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर निश्चित रूप से इस पर एक आखेप भी लगेगा कि कांग्रेस अपने अगर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं दोष है। लेकिन इस बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में वो कब जाएंगे, ये योजना भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको दी जाएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कुलदीप बिश्नोई के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, जो उनकी विश्वसनीयता और साख थी इसे एक महत्वाकांक्षी होना तो स्वाभाविक है, सभी नेता महत्वाकांक्षी होती है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने जब ये बदला लिया हो किसी भी रूप में, चाहे अपने मान सम्मान के लिए क्या हो, लेकिन हरियाणा की जनता उनको संदेह की दृष्टि से देखेगी, उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता और साख पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। यदि उनमें नैतिकता है तो उनको अपनी विधानसभा की सीट से भी इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने पार्टी के खिलाफ जो है मतदान किया है। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि सबसे बड़ा कि कांग्रेस हाईकमान इस पर क्या ठोस निर्णय लेती है। कांग्रेस हाईकमान ने जरा भी इसमें अगर ढील दिखाई तो ये हाईकमान के खिलाफ गलत संदेश जाएगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबकी अब जो नजरें हैं वो इस पर टिकी हुई है कि आखिर कांग्रेस के जो हाईकमान है वो क्या कुछ फैसले लेता है कुलदीप बिश्नोई को देखते हुए। देवेंद्र जी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस का एट द लास्ट मोमेंट पर गणित बिगड़ा, कह सकते हैं कि उनकी जो रणनीति थी एक हफ्ते तक रेस्टोरेंट में अपने ही विधायकों को रखना, बाड़ेबंदी करना, लेकिन इसके बावजूद नाकाम साबित हुए। आखिर ऐसे कौन से ऐसे फैक्टर थे जो कमी पड़ गई कह सकते हैं कांग्रेस की? देखिए अंजलि, तीन चार जब कोई किसी चीज का परिणाम आता है तो उसका विश्लेषण होता है, कारण ढूंढे जाते हैं। मेरे को तीन चार कारण लग रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में भी बहुत दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस में बड़े बड़े नेता हैं जो इस तरह के चुनाव कराते आए हैं, उनको मॉनिटर करते आए हैं। एक चीज तो यह कि कांग्रेस अकेली थी, लेकिन बीजेपी की तरफ बीजेपी थी, जेजेपी थी, निर्दलीय विधायक थे, विनोद शर्मा जिनके बेटे कार्तिकेय शर्मा है, वहां कई दिमाग काम कर रहे थे, जोड़ तोड़ के कहां कैसे क्या हो सकता है, बिल्कुल रणनीति बन रही थी। एक तो कांग्रेस दबाव में थी, जिस तरह से कांग्रेस से खबरें आ रही थी कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, वो मेंटल प्रेशर कांग्रेस के साथ था। दूसरा, कांग्रेस अकेली खड़ी थी, इस तरफ तीन चार पक्ष थे जो आपस में विचार विमर्श करते क्या हो सकता है। अभी अंजलि, मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोगों को पता होगा, थोड़ी देर पहले कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया है, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग का ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सांप के फन को कुचलना आता है, सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते, सुप्रभात। ये अभी ताजा ट्वीट मैंने देखा है कुलदीप बिश्नोई का। लगता है उनके मन में जैसे राजनीतिक प्रतिशोध की भावना थी। आप देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई दिल्ली से एक ही फ्लाइट से चंडीगढ़ पहुंचे, मीडिया में ये तस्वीर भी छपी वोटिंग वाले दिन पहले कल सुबह।
तो लगा था कि कुलदीप बिश्नोई को भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली से चंडीगढ़ लेके जा रहे हैं फ्लाइट में, रास्ते में भी बात हुई कि विश्वास एक तरह से हासिल हो गया था, लेकिन उसके बाद भी कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी से दगा किया है। और उसके बाद जो ट्वीट मैं आपको बता रहा हूं, सांप के फन को मुझे कुचलना आता है, सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गहरी और कितनी प्रतिशोध की भावना कुलदीप बिश्नोई ने दिखाई है और एक तरह से बदला लिया है। ये ठीक है, उनका अपना उनका मान सम्मान है। जी देवेन जी, मैं आपको दो मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। कुलदीप बिश्नोई का चुनाव से पहले भी काफी कुछ बयान ऐसा आया जो सामने आया, हालांकि अब हालात चेंज हो चुके, अब उनके बयान भी चेंज हो चुके, ऐसे में तब उनका क्या कुछ कहना था, ये आपको सुनाते हैं। वोट डालना मेरा अधिकार है, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट डाल नहीं, मैंने फैसला नहीं किया और वोट डालना मेरा अधिकार है, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट डालूंगा, किसी कहने से नहीं डालूंगा। नहीं, मैंने फैसला नहीं किया और वोट डालना मेरा अधिकार है, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट डालूंगा, किसी कहने से नहीं डालूंगा। नहीं, मैंने फैसला नहीं किया और वोट डालना मेरा अधिकार है, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट डालूंगा, किसी कहने से नहीं डालूंगा। नहीं, मैंने आप ही किन से बात हुई थी जब इन्होंने अंतरात्मा का जिक्र किया था, हालांकि अब इन्होंने अंतरात्मा की बात सुन ली, अब कांग्रेस के विपक्ष में अब खड़े हो गए हैं, क्या कुछ आपका कहना है? देखिए अंजलि, हम देखे पिछले दिनों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कुलदीप बिश्नोई की मुस्कुराती हुई फोटो आई है, उनसे मिले हैं और दलील उन्होंने ये दी थी कि मैं विधायक हूं, मेरे एरिया की भी समस्याएं हैं, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचानी थी, तो मेरे को लगता है पहले से खिचड़ी पक चुकी थी। बिल्कुल, अब जब कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल कांग्रेस को जब कुलदीप बिश्नोई की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब किसी नेता की किसी पार्टी को होती है, वैसे नेता लोग कहते हैं कि मेरी पार्टी मेरे लिए माँ बाप है। एक दिन हमारे संजय भाटिया भी है करनाल से, जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने उनसे एक सवाल किया गया था कि आप संगठन के काम में ज्यादा ध्यान करते हैं, पब्लिक से कम मिलते हैं, पब्लिक ने आपको सांसद बनाया, तो संजय भाटिया ने यह कहा कि पब्लिक से पहले संगठन मेरे माई बाप है, जिसने मेरे को पैदा किया है, यहां तक पहुंचाया, तो संगठन के प्रति प्रतिबद्धता होती है। तो कुलदीप बिश्नोई ने अपने संगठन को, कांग्रेस पार्टी को तब धोखा दिया जब सबसे ज्यादा जरूरत कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस को थी। देवेंद्र जी, उसके बाद ट्वीट आया, उसका जो ट्वीट आया, तो उन्होंने अब ये दिखा दिया कि कांग्रेस में अब वो शायद नहीं जाएंगे। और मनोहर लाल से जो उनकी मुलाकातें हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान भी आया कि वो आते हैं तो स्वागत है, तो प्रदेश की राजनीति लगता है अब करवट बदल रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देवेंद्र जी, प्रदेश की राजनीति करवट जरूर बदलेगी। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से आप ही ने पिछली बार जब बात किया था कुलदीप बिश्नोई से, उन्होंने अंतरात्मा की आवाज की बात कही थी, अब जब उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुन ली, बीजेपी जहां पर उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा अगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी भी अब कुलदीप बिश्नोई के साथ नहीं होगी, इसे यकीनन मांग लिया जाए। और जिस तरीके से ट्वीट का जिक्र मेरे से होगी कर रहे थे देवेंद्र कथूरिया, वो साफ ये बात कह रहे थे अपने ट्वीट के जरिए, कुलदीप बिश्नोई ने जो कहा कि सांप का फन कुचलना मुझे आता है, सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते, तो ये मानकर चलिए कि कुलदीप बिश्नोई का जंगल तो अब छूट गया। कुलदीप बिश्नोई अगर जंगल में होंगे तो कांग्रेस पार्टी के जंगल में, भारतीय जनता पार्टी के जंगल में होंगे, कांग्रेस पार्टी के जंगल में आप कुलदीप बिश्नोई के लिए नहीं बचा है। और जिस तरह की परिस्थितियों में हार का सामना यहाँ कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा, यकीनन किसी भी सख्त फैसले तक कांग्रेस पार्टी पहुंच सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी में कुलदीप बिश्नोई को बनाए रखा भी गया, तो मानकर चलिए कि कहीं गिनती में नहीं होंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे, और वो भी एक सजा के रूप में, क्योंकि अगर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है तो हरियाणा विधानसभा में उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी और आदमपुर सीट पर दोबारा से चुनाव नहीं आएगा। अगर कुलदीप बिश्नोई को पार्टी में कांग्रेस पार्टी बनाए रखेगी तो उनकी सदस्यता बची रहेगी, और कुलदीप बिश्नोई भले ही कोने में रहे, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स करें, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बयान दें, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं होंगे। जंगल अगर आप कुलदीप बिश्नोई के लिए बचाए, तो कांग्रेस पार्टी का जंगल नहीं है, वो जंगल भारतीय जनता पार्टी का है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो अब जंगल चेंज हो चुका है, और जिस तरीके से उन्होंने सांप के फन को चलने की बात, साफ तौर पर उनका कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने हरियाणा में जहां पर गैर जाट राजनीति के जो ध्वजवाहक है कैप्टन अजय यादव, भी इस पर उन्होंने रिएक्शन दिया कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ। उन्होंने ट्वीट कर बोले हैं कि जब पार्टी बड़े नेताओं के बेटे को बिना संघर्ष किए हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेंबर बना देगी, तो उनको राज्यसभा में भेज देगी, तो वह पार्टी की विचारधारा को भूलकर केवल अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करेंगे। यह बात पार्टी
हाईकमान को समझनी पड़ेगी। महेश जी, ये ट्वीट सामने आया है इनका। देखिए, सात ओर से गैर जाट राजनीति को अगर समझने की कोशिश करें तो गैर जाट के राजनीतिक चेहरों में सबसे बड़े चेहरे कुलदीप बिश्नोई का अगर चेहरा था तो कैप्टन अजय यादव का भी एक बड़ा चेहरा था और कुमारी शैलजा का भी एक बड़ा चेहरा, यानी तीन बड़े चेहरे हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में जो गैर जाट के ध्वज वाहक माने जा सकते हैं। तो ऐसे में कैप्टन अजय यादव का खुलकर कुलदीप बिश्नोई के सामने आना, साफ ही बात करें कि अगर बड़े नेताओं के बेटों को अगर सीडब्ल्यूसी का मेंबर बना दिया जाए, जिसका सीधा मतलब कुलदीप बिश्नोई है, कुलदीप बिश्नोई को सीडब्ल्यूसी का सदस्य कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाया गया है, और अजय यादव ये भी कह रहे हैं कि बिना संघर्ष के, यानी कुलदीप बिश्नोई ने कोई संघर्ष नहीं किया, चूंकि वो भजनलाल के बेटे हैं तो ऐसे में उन्हें सीडब्ल्यूसी का सदस्य बना दिया गया और उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ वो नहीं चले, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो कुलदीप बिश्नोई पर हावी थी और यही वजह कि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई। अब कह सकते हैं कि ना तो जाट और ना ही गैर जाट, जाटों में पहली कुलदीप बिश्नोई की लोकप्रियता सबसे निम्न स्तर पर थी, और अगर गैर जाट का जिक्र करें जिसका सबसे बड़ा चेहरा कुलदीप बिश्नोई को हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का माना जा रहा था, गैर जाटों में भी अब अजय यादव सात ओर से खुलकर यहां आक्रामक नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बड़े बेटे, बड़े नेता के बेटे को अगर सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनाओगे जिसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं पार्टी की विचारधाराओं से, पार्टी की विचारधारा से ज्यादा बड़ी है, तो ऐसे में हश्र यही होगा, पार्टी को अब सोचना पड़ेगा। यकीनन कुलदीप बिश्नोई अब कांग्रेस पार्टी में उनकी स्वीकार्यता निम्नतम स्तर पर होगी या खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब सभी का इसी ओर इशारा है कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को अब या फिर तो टाटा बाय बाय कहेंगे या फिर तो कुलदीप बिश्नोई को कहीं ना कहीं निष्कासित कर दिया जाएगा। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से अगर बात करें हरियाणा की सारी राजनीति, आपने देखिए राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई का इस तरीके से रिएक्शन आना, वहीं अगर बात करें हरियाणा में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस में साफ तौर पर जो भी अंतर्कलह देखी जा रही है इसका तो खैर असर अगर बात करें राज्यसभा चुनाव पर तो पड़ गया, लेकिन क्या कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी लगातार मुलाकात के लिए कुलदीप बिश्नोई कहते रहे कि मुलाकात करनी है, लेकिन राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को अनदेखा किया, क्या उसी का असर है आज जब वो राज्यसभा चुनाव हार चुके हैं? कुलदीप बिश्नोई को बनाने की कोशिश से पहले भी हुई थी, लेकिन अब जबकि राज्यसभा का चुनाव था तो ये बात तय हो गई थी कि उनकी मुलाकात होती, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को तो बदला नहीं जाना था, ये बात कुलदीप बिश्नोई को भी मालूम थी, लेकिन वो कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी मुझे बुलाएंगे तो मैं मिलने के लिए जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस में अपने में अधिक आत्मविश्वास भी बहुत ज्यादा था, लेकिन जितना कुलदीप बिश्नोई दोषी है अगर पार्टी से विश्वासघात के लिए, तो दूसरा विधायक भी उतना ही दोषी है जिसने, जिनका वोट रद्द हुआ है। देखिए, कांग्रेस के विधायकों को प्रशिक्षण दिया गया और दूसरा जो विधायक का वोट रद्द हुआ है उसने वहां जो अपनी प्राथमिकता एक और दो तय करने की बजाय वहां टिक का निशान किया है, ये सबसे पहले बताया गया था, और जो ऑथराइज एजेंट है उंको वोट दिखाया जाता है, ये विवेक बंसल जो थे ऑथराइज एजेंट थे उनको पता है कि किस विधायक ने वहां अपनी प्राथमिकता प्रेफरेंस तय नहीं की, वहां उसके लिए ट्रिक का निशान लगाया है। तो जितना कुलदीप बिश्नोई दोषी है उतना ही दोषी दूसरे विधायक है, वो भी देर सवेर पता चली जाएगा, क्योंकि अभी तो कहना जल्दबाजी होगी कि वो अंबाले जिले का विधायक है या पानीपत जिले का है, लेकिन उतना ही दोषी है, तो जिससे कांग्रेस की हार जो है तय हुई है। हालांकि ये बात ठीक है कि कांग्रेस अपने आप को काफी अत्यधिक आत्मविश्वास में थी, लेकिन कांग्रेस इसमें रणनीति में भी आ रही है और संख्या बल के हिसाब से भी आ रही है। संख्या बल तो स्पष्ट है, जब उनका एक वोट क्रॉस वोटिंग कर जाता है विधायक और दूसरा जो उसका वोट रद्द हो जाता है, तो ये एक सुनियोजित रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और कांग्रेस इसमें फेल हुई है, संख्या बल से भी फेल हुई है और रणनीति के हिसाब से। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल रात को 1 बजे विधानसभा पहुंच जाते हैं बिना किसी सुरक्षा के, वो 1 बजे लेकर 4 बजे तक विधानसभा में रहते हैं जब वहां काउंटिंग होती है, लेकिन कांग्रेस के चाहे विवेक बंसल हो चाहे राजीव शुक्ला हो, वो अपने इस दल से इसको भाप नहीं पाए। अगर विवेक शुक्ला ये कुलदीप बिश्नोई का वोट रद्द करा देते, ये शिकायत करते कि इन्होंने मुझे अपना वोट नहीं कराया दिखाया है, तो आज तस्वीर का रुख दूसरा होता। मैं कांग्रेस की रणनीति की विफलता भी मानता हूँ, संख्या बल के हिसाब से भी और रणनीति के हिसाब से भी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने काउंटिंग एजेंट कैसे बनाए, एक युवा चेहरा महिपाल ढांडा और दूसरा अभय सिंह यादव जो कि प्रशासनिक अधिकारी आईएएस रहे हैं और विधायक भी हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी ने, हालांकि वहां देखिए दोबारा रिकाउंटिंग की मांग की गई, लेकिन वहां महिपाल ढांडा ने कहा कि आप रिकाउंटिंग करा लीजिए, अगर आप वैसे ही वहां एप्लीकेशन देते, अगर कांग्रेस का वहां प्रार्थना पत्र देता कि रिकाउंटिंग कराई जाए तो उसमें और लंबा समय लगता, जो मतगणना होती हो सकता है सुबह तक परिणाम आता। उन्होंने बिना एप्लीकेशन लिए वही दोबारा मतगणना करा दी। हालांकि ये भ्रम था, कांग्रेस के लोगों को भ्रम था, इसलिए वहां वोट का आधार वही जो परिणाम पहले था वही का वही हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने अपने जीत के ट्वीट पहले कर दिए थे, हालांकि ऐसा था नहीं, उस ट्वीट के वजह से भ्रम फैला। तो मैं ये मानता हूं कि जितने कुलदीप बिश्नोई दोषी है उतना दूसरा विधायक भी दोषी है। ये कांग्रेस का हाईकमान जो है इस बात का आकलन नहीं कर पाया। भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित रणनीति थी, मैं इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की व्यक्तिगत जीत मानता हूं, क्योंकि कृष्ण कुमार को प्रत्याशी बनाने में मुख्य भूमिका मुख्यमंत्री मनोहर लाल की थी, ये उनका व्यक्तिगत चयन था, और कार्तिकेय शर्मा को भी प्रत्याशी बनाने में मनोहर लाल जी की भूमिका थी, उन्होंने जननायक जनता पार्टी के माध्यम से उनको प्रत्याशी बनाया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। यदि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाती तो जननायक जनता पार्टी के विधायक थे वो भी अपना मूल भाव उठाते, लेकिन वो प्रत्याशी जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय की तरफ से आया और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। सुनियोजित रणनीति से भारतीय जनता पार्टी ने कृष्ण कुमार को 36 वोट डलवाए और जो वोट बाद में अधिक थे वो ट्रांसफर कर दिए गए। एक बड़ी रणनीति की जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल वीरेन जी, कहीं ना कहीं एक रणनीति जो थी कांग्रेस की ये भी कहीं ना कहीं खराब रही, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से अगर बात करें अब कांग्रेस हार चुकी है, ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस ये बातें करते हुए नजर आ रही थी चुनाव से ठीक पहले, वोटिंग से ठीक पहले, कि एकजुट हम अपने जो विधायक है उनको एकजुट करेंगे। हुड्डा, अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो शुरुआत से लेकर अंत तक सारा जो कार्यभार था उनको दिया गया था, कांग्रेस पार्टी ने पूरा जो जिम्मेदारी कह सकते हैं वो उनको दे रखी थी इस चुनाव को, वो असफल साबित हुए कहीं ना कहीं, उन पर जो तलवार लटक रही थी वो अब क्या कुछ कहती है। देखिए, मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बड़ा नुकसान हुआ है, हरियाणा कांग्रेस में फ्री हैंड उन्हें दिया गया था और ऐसे में अजय माकन को राज्यसभा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर थी। और मुझे उसके साथ ही ये भी लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नुकसान से कहीं ज्यादा फायदा हो चुका है, दरअसल वो फायदा जिसका अंदाजा खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं लगा रहे थे। जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अब कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ आक्रामक नजर आ रही है और कोई भी कार्रवाई हो सकता है कि पार्टी से निष्कासित ही कुलदीप बिश्नोई को कर दिया जाए, तो ऐसे में अब जो राह का सबसे बड़ा रोड़ा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राह में, डगर में जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो कुलदीप बिश्नोई था, वही मुखर होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आगे की डगर को रोके हुए थे। अब चूंकि बदली हुई परिस्थितियों में कुलदीप बिश्नोई ही पूरे पार्टी के रडार पर आ चुके हैं, पूरी पार्टी उनके खिलाफ हो चुकी है, तो ऐसे में हो सकता है कि या तो कांग्रेस पार्टी कुलदीप बिश्नोई को ही पार्टी से निष्कासित कर दे या कुलदीप बिश्नोई खुद पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। दोनों ही परिस्थितियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए यह जीत से भी बड़ी खुशी का कारण बन सकता है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई अगर सामने से हट जाते हैं तो यकीनन अब हरियाणा कांग्रेस में उनके खिलाफ खड़े होने वाला कोई नहीं होगा। फ्री हैंड जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया गया है वो बेधड़क होकर अब आगे हरियाणा में विपक्ष की राजनीति कर पाएंगे और कुलदीप बिश्नोई खुद ब खुद रास्ते से हट जाएंगे। सबसे फायदे का सौदा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए साबित हुआ है। अगर अजय माकन जीत जाते तो कुलदीप बिश्नोई आगे भी उन्हें चुनौतियां देते रहते, भविष्य की राजनीति में अलग अलग पदों पर कुलदीप बिश्नोई को मैनेज किया जाता और वो उन्हीं तमाम पदों पर बैठकर कुलदीप बिश्नोई अपने लोगों को टिकट दिलवाने की कोशिश करते, उन्हें जिताने की कोशिश करते, हरियाणा कैबिनेट में अपनी जगह मांगते, तो तमाम वो संभावनाएं अब खत्म होगी। कुलदीप बिश्नोई क्रॉस वोटिंग के बाद अब कांग्रेस पार्टी के रडार पर है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये जीत से भी बड़ा जश्न का कारण है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए एक हार कर भी जीत वाला अभी जो सिचुएशन है वो बनती हुई नजर आ रही है। देवेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस हार चुकी है और बीजेपी ने अच्छी खासी जो रणनीति है, जैसा कि वीरेंद्र जी ने कहा कि अच्छी खासी रणनीति के तहत ये काम किया गया है, लेकिन अगर बात करें जैसे कि अगर बात करें कांग्रेस की कहीं ना कहीं रणनीति में कमी तो नजर आई है, लेकिन आगे हालांकि अब नजर टिका हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो उनकी जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आई। अजय माकन को राज्यसभा तक नहीं पहुंचा पाए, इस बीच में अगर बाजी मारी है किसी ने कार्तिक शर्मा ने, जिनकी अगर वोटिंग की बात करो 27 मुश्किल से वोट उनको आ रहे थे, अब जब वो जीत चुके हैं। देखिए अंजलि,
अब तो जो परिणाम आना था आ गया। अब इस परिणाम के असर की बात मैं करूंगा। इस परिणाम का असर ये हुआ, कांग्रेस सीट तो हारी गई, लेकिन एक बड़ा मेरे को लगता है जो अब एक डेवलपमेंट होने वाली है। सुबह किसी कांग्रेस नेता ने मेरे को कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुलदीप शर्मा से भी बहुत नाराज है। कुलदीप शर्मा दरअसल विनोद शर्मा दोनों समधी हैं। कार्तिकेय शर्मा जो है वो कुलदीप शर्मा के दामाद हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीबी रहे कुलदीप शर्मा। कुलदीप शर्मा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसलिए नाराज हैं कि कुलदीप शर्मा विनोद शर्मा को नहीं मना सके, कांग्रेस की मदद नहीं कर सके। अब हो क्या रहा है, अगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में चले जाते हैं, हालांकि उन्होंने अपनी साख खराब कर दी है, बीजेपी के लोग ये भी सोचेंगे कि जिस कांग्रेस के लिए वो मारामारी कर रहे थे कि मेरे को पद दो, मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, मीटिंग के लिए गुहार लगा रहे थे, अगर उस कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई नहीं हो सके तो बीजेपी के भी कैसे होंगे। तो एक तरह से बहुत मेरे को लगता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं कुलदीप बिश्नोई और उनकी राजनीतिक साख को भी धक्का लगा इस घटना से। अब हो ये रहा है कि विनोद शर्मा की खबर है, बीजेपी से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि विनोद शर्मा जल्दी बीजेपी ज्वाइन करें, और विनोद शर्मा नहीं उनके समधी कुलदीप शर्मा जो कांग्रेस के नेता है, स्पीकर रह चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी है, शायद वो भी बीजेपी में जाएंगे। ऐसी स्थिति में विनोद शर्मा कुलदीप शर्मा अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो एक अरविंद शर्मा जो रोहतक से सांसद है बीजेपी के, वो आजकल सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, तो अरविंद शर्मा की मुश्किलें भी अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दो ब्राह्मण नेता अब एक साथ अगर बीजेपी में आते हैं तो अरविंद शर्मा की पूछ और ज्यादा खत्म हो जाएगी। एक तरह से वो भी हाशिए पर जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बीजेपी सरकार से केंद्र सरकार से जो उन्होंने आरोप लगाए कि करप्शन बेकाबू है हरियाणा में, अपने सवालों के जवाब मांग रहे, तो अरविंद शर्मा पर भी उसके साइड इफेक्ट्स ही होंगे, उनकी राजनीतिक कीमत अरविंद शर्मा को अब चुकानी पड़ेगी। तो एक तरह से गैर जाट राजनीति जो है वो बीजेपी की तरफ खिसकती नजर आ रही है, और यही एक मूल मंत्र और एक बड़ा हथियार है बीजेपी के पास कि जो गैर जाट नेता है वो अब गैर जाट की राजनीति एकदम आक्रामक रूप ले सकती है, और झुकाव अब उस तरफ लग रहा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर सीट हार गए तो कांग्रेस के ही कई नेता गैर जाट ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया, क्या वही कांग्रेस को चलाएंगे। तो एक तबका नाराज भी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देने से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी से जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो गैर जाट की जो राजनीति है कांग्रेस वहां भी मेरे को लगता है नुकसान उठाती नजर आ रही है। बिल्कुल देवेंद्र जी, देखना होगा कि परिणाम आ चुका, अब इसका असर क्या कुछ होगा, आखिर राजनीति में क्या कुछ मोड़ लेगा वो भी देखना होगा। आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए, बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।